मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही मस्जिद ईदगाह मामले में स्थानीय अदालत द्वारा सर्वेक्षण के आदेश पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने का फैसला किया है, लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अदालत के इस फैसले से असहमति जता रहे हैं। वो ऑलरेडी प्रूवन है कि यहां पर ईदगाह है, वहां पर मंदिर है, और 1968 में अक्टूबर 12 1968 में शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्णा जन्मस्थान का एक एग्रीमेंट हुआ, और शाही ईदगाह ट्रस्ट ये जो एग्रीमेंट श्री कृष्णा जन्मस्थान से किया उसका उनको अप्रूवल मिला उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड से। 19 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी भी है, पार्लियामेंट का कानून है, लॉ है 1991 का, जो ये कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, चाहे वो मुसलमान के हो, हिंदुओं के हो, ईसाइयों के हो, सिख के हो, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और आखिरी बात यह है कि लीगल एक्सपर्ट्स ये उनका मानना यह है कि सिविल डिस्प्यूट में अगर कोई सर्वे होता है तो लास्ट रिसोर्ट होता है। आप पहला रिसोर्ट में सर्वे कर रहे हैं, आप हम उम्मीद करते हैं कि वहां की ईदगाह ट्रस्ट के लोग इस गलत ऑर्डर के खिलाफ वो अपील करेंगे और कोर्ट उस पर देखेगा। ओवैसी के इस बयान पर दूसरे पक्ष की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। देखिए 1991 का जो जजमेंट रहा, जो आदेश रहा, वो बहुत पहले समाप्त हो चुका है, उसका निष्प्रभाव हो गया है। और जहाँ तक ओवैसी की बात है, जब देखो तब कहते हैं हम संविधान के मान के चलते हैं, हम कानून मान करके चलते हैं। तो कानून और संविधान जब अपने पक्ष की होता, मस्जिद की बात होती, तब वो भूल जाते हैं। ये जब कानून है और यह जो न्यायालय है, न्यायालय क्या कहता है? न्यायालय तो न्याय के अनुसार करेगा, उसके सर्वे में जो क्या है वो स्पष्ट होगा कि मंदिर है कि मस्जिद है, कि मंदिर का प्रभाव है कि मंदिर है, ये इस बात का वो सर्वे कराएगा। जो मांग है वकीलों की, हिंदू वकीलों की, उनकी यही है कि इसको तोड़ करके, मंदिर को तोड़ करके मजार बना गया है। तो यदि मंदिर तोड़ करके मजार बना गया है तो उसको मजार को समाप्त कर देना चाहिए, और जो तोड़ा गया है ये सही हो जाता, सत्य हो जाता है कि नहीं हाँ मंदिर तोड़ के मजार बना, तो मंदिर के पक्ष में आदेश कोर्ट को कर देना चाहिए। देखिए असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति हैं जिनको न संविधान पर विश्वास है, न कानून पर विश्वास है, न न्यायालय पर विश्वास है, न मीडिया पर विश्वास है, न सरकार पर विश्वास है, न देश में विश्वास है। तो हमें लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी अपने परिवार के साथ, जो भी अपने शुभचिंतक हैं उनके, वो सभी लोग चाहे तो देश छोड़ के जा सकते हैं, वो चले जाए पाकिस्तान, वो चले जाए बांग्लादेश, वो चले जाए अफगानिस्तान, वो चले जाए वो किसी भी मुस्लिम देश में, लेकिन भारत में कृपया जहर न फैलाएं, वो जाए भारत छोड़ करके, क्योंकि उनका दो प्रत्याशी जीतते भी वो वंदे मातरम नहीं बोलते, राष्ट्रगान नहीं करते। तो आखिर ऐसे लोग संसद विधानसभाओं में चुन करके जाके क्या करेंगे? देश विरोधी भावना। तो हम असदुद्दीन ओवैसी जी से निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने लोगों के साथ आप जाना चाहते हैं बेशक पाकिस्तान चले जाए, उसकी पूरी खर्चा हम देंगे, हिंदू महासभा देगी, लेकिन आप चले जाए तो ही ठीक है, देश का ही भला होगा। तो इसलिए आप जाए और बताएं, हम आपको टिकट उपलब्ध कराएंगे।